गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में 1857 के विद्रोह पर हम लोग एक नज़र डालेंगे। इसमें बस आपको 1857 के विद्रोह को नेतृत्व करता और ब्रिटिश दमन करता हम लोग देखेंगे। मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा। आप इस वीडियो को बहुत जल्द रिविज़न कर सकते हैं। कम समय में बेहतरीन टॉपिक आपको बता रहे हैं, इसलिए यह वीडियो को ज़रूर एक बार देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और यह वीडियो कैसा लगे जो है आप बताइएगा, अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलिएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक जो है जरूर से जरूर करिएगा। यदि हमारे चैनल को नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्रमुख केंद्र, तो प्रमुख केंद्र में हम लोग देखते हैं सबसे पहले दिल्ली। प्रमुख केंद्र दिल्ली में, तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बहादुर शाह जाफर और बख्त खां, ये दोनों मिल करके 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। कहाँ से? दिल्ली से। लेकिन यहाँ पर 1857 के विद्रोह को दमन कौन किया था, कौन सा ब्रिटिश कमांडर ने आपका जो है दमन किया था, तो जॉन निकल्सन एवं हंडसन, ये दोनों मिल करके यहाँ पर दमन किए थे, ये आपको याद रखना है। जॉन निकल्सन एवं हंडसन। आपसे पूछेगा लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बेगम हजरत महल। लेकिन ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था, यानी कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह को दबाने का काम कौन सा ब्रिटिश कमांडर कर रहा था, तो हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। याद रखिएगा, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल, ये दोनों मिल करके जो है लखनऊ में 1800 विद्रोह के जो है दमाने का काम किए थे। कानपुर, तो कानपुर में आपका नाना साहेब, इसके बाद तात्या टोपे, दोनों मिल करके 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। लेकिन यहाँ पर कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन कौन सा ब्रिटिश जो है कमांडर ने किया था, तो ये कैंपबेल। यहाँ पर कैंपबेल, ये आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, दिल्ली में नेतृत्वकर्ता बहादुर जाफर बख्त खां, लेकिन ब्रिटिश दमनकर्ता जॉन निकल्सन एवं हडसन। लखनऊ में नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल, लेकिन दमनकर्ता हेनरी लॉरेंस एवं कैंपबेल। कानपुर में नेतृत्वकर्ता नाना साहेब और तात्या टोपे, लेकिन दमनकर्ता कैंपबेल। झांसी में और ग्वालियर में, तो झांसी में आपका जो है रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या टोपे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या टोपे, लेकिन यहाँ पर दमनकर्ता कौन था, जनरल हुर्रोज। याद रखिएगा, झांसी में और जो है ग्वालियर में विद्रोह को दमनकर्ता कौन था, तो जनरल हुर्रोज, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद जगदीशपुर में, तो बिहार के जगदीशपुर, कुंवर सिंह और कुंवर सिंह का मृत्यु हुआ तो अमर सिंह आए थे, याद रखिएगा, तो अमर सिंह। तो यहाँ पर कुंवर सिंह और अमर सिंह विद्रोह का नेतृत्व करता थे, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे, तो मेजर विलियम टेलर, मेजर विलियम टेलर और वेसेंट अय्यर। याद रखिएगा, ये दो आपका अंग्रेज अधिकारी जो थे, यहाँ पर ब्रिटिश ये अधिकारी थे जो 1857 के विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, याद रखिएगा, नेतृत्वकर्ता। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्वकर्ता, लेकिन दमनकर्ता कैंपबेल। दमनकर्ता कौन थे, कैंपबेल। इलाहाबाद और बनारस में, तो इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली। 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन, लियाकत अली, लेकिन दमनकर्ता कर्नल नील। याद रखिएगा, कर्नल नील। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा। बताइएगा, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या टोपे, लेकिन यहाँ पर जो है दमनकर्ता कौन, जनरल हुर्रोज। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह, लेकिन दमनकर्ता मेजर विलियम टेलर और वेसेंट अय्यर। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, लेकिन दमनकर्ता कैंपबेल। इसी तरह से इलाहाबाद और बनारस में, तो लियाकत अली, लेकिन आपका दमनकर्ता कर्नल नील। बरेली में खान बहादुर खान, 1857 के विद्रोह करने, तो बरेली में कौन किया था, तो खान बहादुर खान, और दमनकर्ता कैंपबेल। तो इस तरह से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा, SSC, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC, PT, कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, और आता है तो स्टूडेंट से नहीं बन पाता है। तो आप इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी बात बताएं, उसको आपको याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है, ये आपको याद रखनी है। तो अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, इसी तरह का वीडियो बनाकर लाएंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।